ओके तो मैं निकल रहा हूँ अब यहाँ से एडवेंचर राइड करके. नाउ आई एम हेडेड टुवर्ड्स सैंड ड्यून्स. अब सैंड ड्यून्स में देखते हैं क्या सीन है. यस्टरडे आई मेट कपल ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट. एक्चुअली देयर वर टू पीपल राइडिंग द सेम मोटरसाइकिल. दे स्टॉप्ड एंड दे सेड अच्छा अभी दिल्ली से हैं, वो भी दिल्ली से आए थे. तो वो यहाँ फंस गए. उनका टायर ट्यूब फट गया. बुलेट जो उन्होंने लिया था रेंट पे उसका ट्यूब फट गया और यहाँ पे पंचर वाली दुकान पे ट्यूब वो रिपेयर नहीं कर रहे हैं. उन्होंने बोला कि नई ट्यूब लगेगी. तो नई ट्यूब लेने के लिए अब वो बेचारा किसी से लिफ्ट मांग के दिस्कित गया. एक बंदा यहाँ खड़ा है. अब पता नहीं वो दिस्कित से वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा. मैंने उसको बोला कि अगर मुझे रास्ते में वो बंदा मिल जाएगा तो मैं उसको वापस छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास आज ज़्यादा चीज़ें नहीं है करने को. मैंने जैसे बोला था कि आज मैं रेस्ट करूँगा. अब वो बैक्ट्रियन कैमल की राइड भी करनी है एक. सो मैं वापस हुंडर की तरफ जा रहा हूँ. यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है. यहाँ के व्यूज बहुत अच्छे हैं. कर्व्स बहुत अच्छे हैं. बी स्लो ऑन माई कर्व्स, बी सॉफ्ट ऑन माई कर्व्स. सो डिस्कित यहाँ से 8 kilometers हैं अभी और हुंडर वहाँ से 7 kilometers और है शायद. सो टोटल 15 kilometers और होगा मुझे मेरे होटल के आसपास पहुँचने तक. लेकिन मैं अभी होटल में नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं राइड करूँगा. नॉर्मली इंडिया में जितने भी कैमल्स पाए जाते हैं उन सबके एक ही हम्प होता है. बैक्ट्रियन कैमल्स के दो होते हैं. सामने पहाड़ों के ऊपर सनराइज कितना अच्छा लग रहा है. सनराइज तो नहीं है अभी, 3-5 हो रहे हैं. सन की किरणें, सन रेज, ओके रेज ऑफ द सन. मैं भी ना कभी कभी भूल जाता हूँ चीज़ें. ओके हुंडर में धूप निकल आई है और आप लोगों को तो पता ही मुझे धूप से एनर्जी मिलती है. तो मैं फिर से हो गया एनर्जेटिक. K2 हाईएस्ट पॉइंट टू कुटनाड लोएस्ट पॉइंट, भारत इज वन. सो दिस्कित के बाद एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे, तो मैं पेट्रोल फुल करवा लेता हूँ. हालांकि मेरा सिर्फ एक ही लाइन मिसिंग है, बट यू नेवर नो. ये ऑल्टीट्यूड की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है बाइक का पेट्रोल पंप टैंक. सो कभी पता नहीं चल पाता कि कितना एग्जैक्टली है, कम है या ज़्यादा है. सो या हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल पंप पे कोई नहीं है. वो नीचे से आएंगे अभी और फिर हम पेट्रोल भरवाएंगे. भैया कार्ड लेते हो ना? कैश? अच्छा 500 का डाल दो. भैया तुरतुक में है कोई पेट्रोल पंप? अब यही लास्ट है. अच्छा मतलब उस तरफ को कोई भी नहीं अब. ठीक है जी, थैंक यू. यही पे बारके जाना पड़ेगा. हाँ पेंगोंग जाएंगे ना, वहाँ पे. अच्छा पेंगोंग में है? हाँ, इधर से 30 kilometers. अच्छा हाँ, और सोमोरेरी के रास्ते में है कहीं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वहीं से टिकन लेके जाओ. वहाँ पेट्रोल पंप है ना, वहीं से पार्क. मतलब सोमोरेरी पहुँच के वहाँ से ले अगर जाना हो तो नहीं हो पाएगा? अच्छा अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू.
आज तो मज़ा आ गया, काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हुए बाइकर्स के साथ, कुछ बाइकर्स मुझे रास्ते में मिले थे उनके साथ काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हुए, उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइडेंस दी क्योंकि वो 2014 से आ रहे थे यहाँ पर। एक का नाम नील था, नील ने ही मेरे से ज़्यादा बात करी, यू नो यू ऑलवेज कनेक्ट विद सर्टन पीपल, सो दैट्स दैट। अब हम लोग जा रहे हैं सैंड ड्यून्स की तरह, हम लोग एज इन मैं और आप लोग जो देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे खजियार है, खजियार आपको पता है ना, घोड़े एंड डोंकी का मिक्स। सैंड ड्यून्स में तो काफ़ी भीड़ लगी है, मुझे यहीं से दिख रहा है, लेट्स सी क्या है वहाँ पर। रोड पत्थरों वाली है, थोड़ा स्लो चलते हैं, पानी बगल में, बीच में पत्थर, लेफ्ट में ग्रीनरी, अमेजिंग। अब यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या हो रहा है, सब कुछ कितना पीसफुल है यहाँ पे देखो, और बहुत सारे बाइकर्स हैं यहाँ पे, आप देखो, अब देखो यहाँ पे ये खड़े अपनी स्टैलिन। मेरा सारा सामान होटल में रखा हुआ है, तो छोटा सा बैग, उसमें पानी, रेन लाइनर्स वगैरह हैं, और खड़े हम यहाँ पे देखो अपनी स्टैलियन, गंदे हो रखे एकदम, डस्टेड, लद्दाख आई है। मुझे लग रहा है आगे और जा सकते हैं, चलो जाके एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, पानी बगल में और मिट्टी में चलते चलते कितना अच्छा लग रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो आते हैं यहाँ पे, भीड़ भाड़ से दूर। दिल्ली में क्या होता है, काम सब कुछ रूटीन के हिसाब से, सब कुछ प्लान्ड होता है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं पता। रास्ते देखो कितने अच्छे हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा दिखे बस चलते जाओ करते जाओ, दैट्स ऑल। तो मैं अभी ऐसे ही जा रहा हूँ थोड़ा सा और आगे देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या है यहाँ पर। एकदम प्यारा लग रहा है सब कुछ, लेफ्ट मेरा, राइट मेरा, एंड स्ट्रेट रोड। हम आ गए हैं यहाँ एकांत में, सॉलिट्यूड में। मुझे एक्चुअली बैक टू एन कैमल का राइड भी लेना था, अभी मेरी बाइक ऑलमोस्ट स्किड हुई पीछे, मैंने शायद ब्रेक लगाया था कट पे। देखो अल्टीमेट पीस, आई थिंक एक ही रास्ता है, पॉइंट वहीं पे जाके मिलेगा, यहाँ से जाओ या वहाँ से जाओ एक ही रास्ता है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। नॉर्मली आप भटकेंगे नहीं यहाँ पे, आप गूगल यूज करेंगे तो भटक जाएंगे, पूछ के निकलेंगे लोगों से यहाँ पे तो नहीं भटकेंगे। गूगल पे रिलाय मत करना पहाड़ों में, पहाड़ों में लोगों पे रिलाय करना है। और मैंने रियल टाइम पे रखा हुआ है अपना फ्यूल एफिशिएंसी चेक करने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ फ्यूल। अभी मुझे 48 दिखा रहा है, जैसे 45 हो गया, तो डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल पे, आप जितना थ्रॉटल देते हैं उतना कम होता रहता है स्पीड। जैसे देखो मैंने थ्रॉटल दिया तो स्पीड कम हो गया, लेकिन मैं थ्रॉटल को कॉन्स्टेंट रखूँगा अगर, तो मेरा माइलेज अच्छा आएगा, और वही करना है। सब कुछ भुला देते हैं मुझे पहाड़,
मैं कल भी यही सोच रहा था कि मेरी जितनी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मैं सोचता रहता था दिल्ली में बैठे बैठे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सब खत्म। यहाँ पे कुछ याद ही नहीं, कोई याद नहीं मुझे। बस निकलो, मोटरसाइकिल पे बैठो, एक्सप्लोर करो जगहों को। जहाँ रास्ता दिख रहा है वो रास्ता भी ले सकता था, लेकिन मन किया ये लेना है, ये ले लिया। जो करना चाहो ना आप वो कर सकते हो यहाँ पे, और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने डिसीशंस के लिए। कोई आपके ऊपर डिसीशन नहीं थोप रहा है यहाँ पे। आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो आप अपने होटल में बैठो या फिर आप गाइड कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा, जैसा आपके बजट में हो वैसा। ये सैंड ड्यून से मैं काफी आगे आ गया था, क्राउड से काफी आगे। वापस क्राउड की तरफ चल रहा हूँ अब मैं आगे जाके एक बार पता जरूर करूंगा कि वो बैक टू इन कैमल राइड का क्या सीन है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग दिखे वहाँ पे और कैमल्स बहुत कम, सो इसलिए मैं वहाँ पे रुका ही नहीं। मैंने सोचा थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करके आता हूँ, फिर देखेंगे क्या है वहाँ पे क्या नहीं है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। सो द विंड ब्रिंग्स गुड लक, दैट्स व्हाट दिस सिंबलाइजेस। दिस फ्लैग व्हेन विंड हिट्स इट, इट मूव्स एंड इट ब्रिंग्स गुड लक, सो दैट्स दैट। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल को छुआ भी नहीं है। जैसा बाय डिफ़ॉल्ट होता है मोटरसाइकिल में वैसा ही है, मैंने एक बार भी ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ नहीं किया है। वाई रिस्क एनीथिंग जब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जब आराम से हो रहा है रास्ता, जब आराम से सब कुछ ठीक चल रहा है, देन वाई मैस सेट अप, है ना। देखो आप लोग पास से देख लो सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और बगल में लेक देखो कितनी प्यारी है, और लेक भी कर्व बना बना के जा रही है, ऐसा लग रहा है कि उसने खुद ही अपना रास्ता बनाया है। इतना प्यारा लग रहा है ना सब कुछ, लेकिन गंदगी हर जगह फैला रखी है। हमारे आपके जैसे लोगों ने ही किया है ये, अगर हर कोई अपना पार्ट करेगा तो ये जगह भी क्लीन रहेगी ना। सो 5 बज चुके हैं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। ये भी एक अलग फीलिंग होती है ना। मेरा मन कर रहा है वो सैंड ड्यून पे चढ़ने का, थोड़ा सा चढ़ा जाए। यो जगह इतनी प्यारी है, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, पता है ऐसे बैठा हुआ हूँ काफ़ी देर से पानी के पास अपनी मोटरसाइकिल पे। पीपल डू सो मैनी थिंग्स टू गेट आउट ऑफ द मोनोटोनस रूटीन ऑफ देयर डे टू डे लाइफ नो, तो थोड़ी देर और मैं बैठूँगा यहीं पे। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई काम नहीं है। So I decided to come over here for the back train camel ride, and I only have 17% battery left, so I'll probably use it wisely. Here's how it looks. So I'm taking a ride of the back train camel and also recording it in my GoPro. This is nice, yeah. This is such a nice experience. I'm so glad I did this. This is so much fun, yeah. Look at this. I'm sitting over here, and I got a strong one. I mean, there are so many, but I feel like I'm on top of everyone because I'm on the tallest one. There you go. This is my. Let me call him Chameleon. Hey, Chameleon. It's looking at me, see, it just turned its head. It's such a nice experience, yeah. How do I put this in nice words? I'll talk to you in a while. Let me enjoy, yeah. Let me enjoy some me time here. I'll talk to you next when I'm on top of a sand dune. Hello again. So this Bactrian camel, it's unlike any other camel, okay? It moves like an ostrich. Left, right, left, right. Look at this view from the top of a Bactrian camel, a camel with two humps. This is actually worth it. So if you want to inquire about the price of this ride, it's 300 rupees for a 15 minutes ride. And these Bactrian camels, they are really, really muscular. They have strong muscular legs.
they have a strong body and they have a lot of fur on them to be able to survive in the cold places. So now we are taking a U-turn from here. You know the history of the Bactrian camel? So Asadarji told me that, you know, in 1947 during the war, a lot of Mongolians came to this location, and this Bactrian camel is from Mongolia. So over a period of time, generations over generations, they are here. Chalo hum log yahan se dobara se chale hain. Thode der ke liye ruke the. Ruke kyu the? Jo camel ke bacche hain, unke doodh peene ka time ho gaya tha. Wo doodh pee rahe the yahan pe aake apni maa ke paas. So that's that. Ye dekho kitna pyara lag raha hai jagah. Camel ke upar se. चलो आप लोगों ने राइड के मजे लिए मुझे लग रहा है. अब मैं बंद करता हूँ GoPro. सिर्फ 9% बैटरी बची है. अब उतरते टाइम छोटा सा वीडियो और बनाएंगे. ओके ऑलराइटी, टक्कर मार रहे हैं आपस में. आई एम स्टिल ऑन टॉप ऑफ द कैमल, ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच. ऐसा लग रहा है ना कि एब्स का प्रॉपर वर्कआउट हो रहा है. आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. Nice experience. Like I'm saying, I'm so happy right now. There's so many people here, so I cannot scream and tell you how happy I am. But yeah. Hey, the cross man. Okay. See you again when I get down.